हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के ओपन किया है, मैं समझ सकता हूँ। और मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ऑल एंड्रॉयड मोबाइल अनलॉक विदाउट डाटा लॉस विदाउट सर्विस सेंटर। मतलब आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल है, वो मोबाइल आप इस वीडियो को देखकर, आपका अगर मोबाइल लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। अगर आपका फ़ोन कोई भी कंपनी का है, आप फ़ोन में पासवर्ड पैटर्न पिन ज़रूर लगाते होगे। अभी का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने फ़ोन में पासवर्ड पैटर्न पिन नहीं लगाता हो। टोटल बंदा अपने फ़ोन में पासवर्ड पैटर्न पिन लगाते हैं। पासवर्ड चेंज करने के दौरान या किसी भी दौरान आप जब अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को भूल जाते हो तो आपका फ़ोन इस तरह से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो जाते हो। आप इस केस से निकलने के लिए डायरेक्ट सर्विस सेंटर या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो। दोनों जगह आपसे आपका पैसा लिया जाएगा, फ़ोन का डाटा लिया जाएगा, तब जाकर आपका फ़ोन अनलॉक करेंगे वो लोग, पैसा समय और डाटा देने के बाद। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के और बिना इंटरनेट कनेक्शन के आपको अपना मोबाइल अनलॉक करना है, चाहे वो मोबाइल कोई भी कंपनी का क्यों ना हो। ओप्पो है, रियलमी है, वीवो है, सैमसंग है, पोको है, रेडमी है और आसूस है, वन प्लस है, कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपके पास है, आप इस वीडियो को देखकर आप अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप आईफोन के ऊपर भी हमने वीडियो छोड़ रखा है, आप उस वीडियो को देखकर अपना आईफोन अनलॉक कर सकते हो। और अगर आपके पास आईफोन नहीं है, कोई अदर एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप कभी भी सर्विस सेंटर नहीं जाओगे, सिर्फ इस मेथड से अपना फ़ोन अनलॉक करोगे। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुँचता रहेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले जब आप ऐसे स्वीप अप करोगे अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, तो आप देखोगे कि आपको नीचे जीरो के नीचे इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, बाकी कहीं भी कोई भी एक ऑप्शन भी आप बता दो जो आपको दिख रहा हो तो मैं मान जाऊं। कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है सिवाय इमरजेंसी कॉल के, ओनली इमरजेंसी कॉल बस, और कोई ऑप्शन नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे। और जब हम इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने एक न्यू पेज का ओपन हुआ, सॉरी पेज नहीं डायलिट इसको बोलते हैं। इस न्यू डायलिट में आपको एक छोटा सा कोड का इस्तेमाल करना है फ्रेंड, जो कोड आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो आप ध्यान दो और इस कोड को देखो, क्योंकि ये कोड फुल दिसंबर 2023 तक ये कोड एक्टिव है, जिस कोड का नाम होता है ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड, जिस कोड से आप अपने फ़ोन का डाटा रिकवर कर सकते हो और आप अपने फ़ोन का FRP कोड जो होता है उसको रिमूव कर सकते हो, सिर्फ इस कोड से, ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड। तो ये कोड आप लोग के सामने मैं डायलिट पे अप्लाई करता हूँ, इस कोड को देखिएगा और आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन को आप अनलॉक करना चाहते हैं, वो भी विदाउट डाटा लॉस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोड आपको दो प्रॉफिट देगा, सारा डाटा रिकवर करेगा और आपका जो भी FRP कोड है उसको रिमूव करेगा। तो ये डायलेट कोड को डायलेट पे डायल करने से ये वर्क नहीं करता, इसको वर्क करवाना पड़ता है। तो इस कोड को आपको 11 टाइम कॉल करना है ताकि ये कोड रनिंग करे और आप अपना ये कोड अपना वर्क कंप्लीट करे। तो 11 टाइम कॉल कैसे करोगे फ्रेंड, ये भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, जब कॉल पे आप क्लिक करोगे तो कॉल फेल्ड द नंबर इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर का मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओके। ये हो चुका वन टाइम फ्रेंड, इसी प्रकार आपको 11 टाइम कॉल करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11। 11 टाइम जब आप कॉल कर लोगे इस कोड को, तो इस कोड को कैसे हटाना है ये भी देख लो फ्रेंड। इस कोड को एक एक करके हटाना है, डायरेक्ट नहीं हटाना है। अगर आप डायरेक्ट हटाओगे तो ये प्रोसेस के खिलाफ जाएगा, तब आपका ये डाटा सेव भी नहीं होगा ना FRP कोड टूटेगा, क्योंकि इसका सबका प्रोसेस अलग होता है फ्रेंड। जैसे आपको कोड जैसे आप दिए हो उसी प्रकार आपको हटाना भी पड़ता है, कोई कोई कोड को डायरेक्ट भी हटाया जा सकता है।
तो अब आपका वन वर्क कंप्लीट हुआ, आपका डाटा सेफ हुआ और आपका FRP कोड रिमूव हुआ, लेकिन अभी तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ है फ्रेंड। तो फ़ोन अनलॉक करने के लिए आपके पास कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, 4589*#, ये कोड, जो कोड मैंने अभी अभी आपके डायलेट पे डायल किया है, इस कोड का नाम होता है फ्रेंड गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड। जिस कोड के मदद से अगर आपके पास दुनिया में किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो आप इस कोड की मदद से उसका लॉक तोड़ सकते हो, चाहे वो पासवर्ड लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, पिन लॉक हो, फिंगरप्रिंट लॉक हो या स्क्रीन लॉक हो, कोई भी लॉक हो आप इस कोड की मदद से तोड़ सकते हो। लेकिन आपको तो ये बात पता है फ्रेंड कि डायलेट पे डायल करने से ये कोड वर्क नहीं करता, इसको वर्क करवाना पड़ता है। तो इस कोड को आपको 7 times कॉल करना है, ओनली 7 times, ताकि ये कोड रनिंग करे और आपका डाटा, सॉरी, आपका पासवर्ड, पैटर्न, पिन रिमूव करे। तो 7 times हम इसको कॉल करते हैं फ्रेंड, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले टाइम किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7, 7 times जब आप कॉल कर लोगे तो इस कोड को इस बार डायरेक्ट हटाओगे, एक एक करके नहीं हटाओगे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सब कोड का अलग अलग तरीका होता है, इस कोड को डायरेक्ट हटाओगे। तो अब आपका वर्क कंप्लीट हो चुका फ्रेंड, यहाँ पे होम बटन है, होम बटन पे क्लिक कीजिए, यदि आपके पास स्वीपअप है तो स्वीपअप कीजिए, लेकिन होम से यहाँ पे होम बटन है तो मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि फ़ोन अनलॉक हो चुका है और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है। फ्रेंड आप देख सकते हो कि इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है, टोटल का टोटल डाटा रिकवर हुआ है, सेफ हुआ है। आप देख सकते हो मैंने आपका पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया और फ़ोन भी अनलॉक करना सिखाया, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड कि ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास दुनिया में किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।